हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैंने कुछ नया ऐड किया है, ये आप देख सकते हो। आज मैं अपने हस्बैंड का हेयर कट कर रही हूँ। आप सबको पता है कि इस समय घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है, और इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे। और ये बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि क्यों तुम हेयर कट नहीं कर सकती हो, तुम तो पार्लर का कोर्स की हुई हो और हेयर कट तुम लड़कियों का करती हो, तो क्यों लड़कों का नहीं कर सकती। तो बस आज मैंने सोचा कि चलो आज इनका हेयर कट करते हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे। और ये भी सोचा कि अभी तो 8-10 दिन घर में रहना है, अगर मैं इनका बाल बिगाड़ भी दूंगी तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये तो घर की खेती है, बढ़ना ही है। वैसे हमारे यहाँ अभी 10-11 बजे तक सुबह के टाइम में दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन मैंने बोला कि रहने दीजिए, मत जाइए बाहर, क्योंकि बाहर जाना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो जितना हो सके गाइज आप लोग भी घर में रहिए, क्योंकि घर में रहना ही सबसे ज़्यादा सेफ है। और आज मैं ये जो कर रही हूँ ना, मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ब्लॉग में भी ऐड कर दिया जाए। वैसे ये मैं ब्लॉग में ऐड नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने बोला कि क्यों नहीं कर सकती हो, कुछ अच्छा कुछ नया ही तो किया है, तो इसीलिए मैंने इसे ब्लॉग में भी ऐड कर दिया। और सच में गाइज मैंने जो कटिंग की है ना हेयर की, वाकई में अच्छी हुई थी। और इन्होंने भी मतलब बोला कि अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और सच में मैंने अगर ट्राई किया है तो अच्छा हुआ भी, क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि नहीं अच्छा कटा है। तो अभी जितने भी घर के जो सुबह वाले काम होते हैं वो मैंने कर लिए हैं, और नाश्ते में मैंने ना छोला बनाया है, पूड़ियाँ बनानी है। तो ये देखिए फाइनल जो लुक है हेयर का वो ये है। और मैंने इसे पूछा कि कैसा कटा है, तो ये बोले बहुत अच्छा कटा है। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नहाने के बाद, क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है, तो नहा के आती हूँ और फिर बनाती हूँ नाश्ता। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, तो यहाँ बस पूड़ियाँ बनाऊँगी। और मैंने आप लोग को बताया था कि छोला मैंने पहले ही बना लिया है, और छोला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ दोपहर में ना केवल चावल बना लूँगी और छोला चावल हम लोग खा लेंगे। और ये जो छोला आज मैंने बनाया है ये है मटर का छोला, आज मैंने काबली चने का नहीं बनाया है। बहुत दिनों से मेरे घर में मटर का छोला नहीं बना था, तो सोचा चलो आज मटर का बना लेते हैं। रात को ही मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था, यानी कि मटर को। और अभी मैं मम्मी को नाश्ता देने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज हो गया है बहुत ज़्यादा लेट। वैसे तो हम लोग रोज़ ही लेट उठ रहे हैं, क्योंकि इनको ऑफ़िस जाना नहीं होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं रहती है। अगर इन्हें ऑफ़िस जाना होता है ना तो सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहती है। अभी तो किसी चीज़ की जल्दी नहीं है और ना ही कोई टेंशन होती है, बस जब मन आए तब सो जाओ, जब मन आए तब उठो, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ पे पूड़ियाँ सेकूंगी, और पूड़ियाँ सेकने के बाद दे दूंगी हस्बैंड, ले जाके मम्मी को नाश्ता करा देंगे। आजकल वो ये सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि नाश्ता देना और छोटे मोटे काम करना, चाय बनाना। और यहाँ पर मैंने दे दिया है मम्मी को नाश्ता, और नमक देना भूल गई थी मैं। मैंने जैसे कि आप लोग को बताया है कि मम्मी नमक बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो हस्बैंड अभी नमक लेके गए हैं। और अब मैं अपने लोगों के लिए पूड़ियाँ सेक लूँगी, और पूड़ियाँ सेकने के बाद हम लोग नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी, और किचन साफ़ करने के बाद कुछ और काम है वो करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ और हस्बैंड के लिए। तो चलो गाइज आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे अब मैं जितने भी बर्तन हैं वो मैं धुल लूँगी, क्योंकि बर्तन अगर पड़े रहते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लगता है कि काम पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्तन जो है वो धुल लेती हूँ और किचन साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आप फ्री हो, अगर काम पड़ा रहता है ना तो फिर आपके दिमाग में एक टेंशन होती है, किचन भी साफ़ करना है, बर्तन भी धुलने हैं, इस सब चीज़ों की टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट बर्तन धुल लूँगी, और उसके बाद
बाद किचन साफ कर लूंगी। वैसे आप देख सकते हो कि किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं है क्योंकि मैंने सुबह ही साफ किया था। तो चलिए किचन को साफ करती हूँ और ये बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और किचन भी मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है। ये देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। Hey guys, कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं आ गई हूँ सबसे किनारे वाले कमरे में। कुछ कपड़े मुझे सिलने थे, किचन वगैरह साफ कर दिया है मैंने और हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हैं कुछ कमरे में, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक सूट है ये मेरे पास, तो इसका ना गला काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा है तो मैंने इसको छोटा किया है और इसको सिलना है। और साथ में एक ये प्लाजो है, इस प्लाजो को ना मैं छोटा की हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा नीचे से लंबा था जबकि मुझे लंबा नहीं चाहिए था। और नीचे ना इसके ये वाला बॉर्डर लगा हुआ था, ये वाला, तो ये लगाऊंगी लेकिन नीचे से मैंने कट कर दिया है बॉर्डर को निकाल के, तो ये सिलने वाली हूँ आज। और कोई कोई कपड़ा मैं निकाल निकाल के ठीक करती रहती हूँ। जो भी कपड़े मेरे पास हैं उनको अगर फिटिंग देनी होती है या मुझे वो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं तो उनको मैं खुद ठीक कर लेती हूँ, मुझे ठीक करवाने के लिए बाहर नहीं भेजना होता है। वैसे तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि सर में मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती। कुछ कपड़े जो हैं जैसे कि ब्लाउज हो गया और जैसे कि डिजाइनर कोई चीज़ है वो तो मैं बाहर भेज देती हूँ सिलवाने के लिए, लेकिन नॉर्मल जो भी सिलाई करनी होती है वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो अभी मैं ये प्लाजो सिलने वाली हूँ और सूट का जो गला है वो ठीक करने वाली हूँ। और आप लोग बताइएगा कि मैंने कटिंग भी आज करी है बालों की, तो वो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी ना तो प्लीज़ गाइज कमेंट जरूर करना कि आप लोगों में से किस किस ने ऐसा कभी किया है। ये मैंने न्यू ट्राई किया, हस्बैंड मेरे पता है हमेशा बोल रहे थे क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी अनुष्का शर्मा की, उन्होंने अपने हस्बैंड का यानी कि विराट कोहली के बाल काटे थे, तो ये हमसे बार बार बोल रहे थे क्यों तुम नहीं काट सकती हो, तो मुझे लगता था मैं नहीं काट पाऊंगी। तो और आज सच में मैंने कटिंग करी और बहुत अच्छे से कर पाई मैं। तो कोई भी काम अगर आप करते हो ना तो आप सच में बहुत अच्छे से कर पाते हो, अगर आपके मन में है कि आप कर सकते हो तो जरूर कर लेते हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ को करती नहीं हूँ, अगर करती हूँ तो सच में कर लेती हूँ, क्योंकि आदमी जब कुछ करेगा तभी वो कर पाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने ट्राई ही नहीं किया तो कर कैसे पाओगे। किसी भी काम को करने के लिए पहले बात तो हिम्मत जुटानी होती है और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगी या कर लूँगा तभी हो पाता है। तो मैंने कर लिया, तो आप लोग जरूर बताना किसी ने किया है क्या ऐसा। मैंने किया है, मेरे बाबा थे मतलब कि अभी नहीं है, वो डेथ कर गए हैं, तो उनका ना मैं सेविंग किया करती थी, काफ़ी बूढ़े थे तो उनकी मैं सेविंग कर दिया करती थी। आज भी मुझे याद है कि जब भी उनको लगता था कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, थक गया हूँ, तो वो मुझसे बोलते थे तो मैं कर देती थी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम अगर आप चाह दो ना तो वो जरूर हो जाता है, जैसे कि मैंने आज चाह तो हो गया।
तो इस तरह से आप लोग भी कुछ भी अगर चाहोगे तो कर सकते हो। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ सिलाई और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए गाइज अभी के लिए करती हूँ बाय बाय और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।